नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेलीमोटेक पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेली ERP9 में लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, अकाउंट कैसे बनते हैं, जो परचेज पार्टियों के अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, उनके लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो फ्रेंड पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टेली ERP9 स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करके कंपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली के अंदर मास्टर्स में जाऊंगा। मास्टर में सबसे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रुप, लेजर, वाउचर, स्टेटरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर लेजर पर एंटर करूँगा। दोस्तों आगे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। दोस्तों क्रिएट का मतलब होता है लेजर क्रिएट करना, डिस्प्ले का मतलब होता है लेजर को डिस्प्ले करना और अल्टर का मतलब होता है लेजर को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं तीनों ऑप्शनों को मैं बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं क्रिएट पर जाऊंगा और एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डालूंगा, जो परचेज पार्टी है जिससे अपने माल परचेज करते हैं उस पार्टी का अपने नाम एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अग्रवाल एंड कंपनी अकाउंट डाल लिया है। LIC के अंदर दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में नाम देना होता है, यहाँ पर मैं AGC शॉर्ट में नाम दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर परचेज पार्टी का नाम एंटर कर रहा हूँ, तो मैं सेंडरी क्रेडिटर्स में इसका लेजर बनेगा तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आगे पूछा जा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर हमारे को बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो यहाँ पर मैं यस करूँगा, अदरवाइज नो पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पर कुछ नहीं भरना दोस्तों। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जो पार्टी का पेमेंट है कितने दिनों के अंदर में आना चाहिए, उसका हिसाब मेंटेन रखना है कि नहीं रखना। अगर यस कर देते हैं तो वो मेंटेन रह जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो रहेगा। दोस्तों आगे मेलिंग डिटेल पूछ रहा है। मेलिंग डिटेल में अग्रवाल एंड कंपनी जो फर्म का नाम है ऑटोमेटिक आ गया। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं एड्रेस भरूँगा। जैसे यह दिल्ली की फर्म है तो यहाँ पर मैं इसका एड्रेस भर देता हूँ। कृष्णा नगर दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर कंट्री भरना है इंडिया और स्टेट यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली भरूँगा। यहाँ पर पिन कोड भरना है, जैसे मैं दिल्ली का पिन कोड भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक की डिटेल अपने पास पार्टी की बैंक डिटेल है तो यहाँ पर यस करूँगा और मैं पार्टी का यहाँ पर डिटेल भर दूँगा, जो भी अकाउंट नंबर है, अदरवाइज यहाँ पर नो रहेगा। दोस्तों आगे टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो हमने टैक्सेशन संबंधी जो भी डिटेल देनी है यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पैन IT नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेरे को पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर मैं पैन नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आगे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर पार्टी किस रजिस्ट्रेशन के अंदर है, कंपोजिशन में है या कस्टमर है या फिर रेगुलर में है।
यहाँ पर मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेगुलर में GSTIN नंबर UIN नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर पार्टी का GST नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों ये आगे पूछ रहा है सेट अलर्ट GST डिटेल्स, यहाँ पर मैं यस करके देख लेता हूँ। इसके अंदर आगे वही ऑप्शन आए हैं कंपोजिशन कंज्यूमर रेगुलर अनरजिस्टर्ड, तो ये फर्म रेगुलर में, तो मैं यहाँ पर रेगुलर कर देता हूँ। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरीज में नो रहेगा। इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। कंज्यूमर पार्टी एज डिमिड एक्सपोर्ट ऑफ परचेज, आउट ऑफ कंट्री भेजना हो तो माल यहाँ पर यस करना पड़ता है। आगे आ रहा है दोस्तों पार्टी टाइप, पार्टी किस टाइप की है, डिम्ड एक्सपोर्ट है, असेंबली यूएन बॉडी है, सेज है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो GST नंबर मैंने भरा था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इज ए ट्रांसपोर्टर, ये पूछ रहा है पार्टी है वो क्या ट्रांसपोर्टर है, अगर ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पर यस करूँगा, अदरवाइज मैं नो करूँगा। अगर वहाँ से माल आ रहा है तो अपने यहाँ पर नो ही रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। तो दोस्तों यह कंपनी क्रिएट हो चुकी है, जो मैंने फर्म बनाई है वो बन चुकी है। मैं देखने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा अग्रवाल एंड कंपनी का मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। ये देखो दोस्तों वो कंपनी जो बनाई मैंने बनाई है वो डिस्प्ले हो चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों डिस्प्ले का मतलब ये डिस्प्ले का ही है जिससे हम कंपनी देख सकते हैं, और अल्टर, अल्टर का मतलब जो मैंने कंपनी क्रिएट की है, जो मैंने लेजर बनाया है उसको हम अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव करना हो तो वो कर सकते हैं। जैसे अग्रवाल एंड कंपनी में मैंने कोई भी इसमें बदलाव करना है, जैसे मैं इसके अंदर अग्रवाल एंड कंपनी है, अगर इसमें यहाँ पर अग्रवाल एंड संस होता तो मैं यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आगे भी जो मेलिंग एड्रेस में है वहाँ पर भी इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये था परचेज पार्टी का अकाउंट लेजर क्रिएट करने का।